जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ मिलकर फिर से बात करते हैं हिंदी शिक्षण की। हिंदी शिक्षण आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जहां से आपके परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। और हिंदी शिक्षण में आज का जो टॉपिक है वो है अर्जन और अधिगम। अर्जन और अधिगम के बारे में जानेंगे कि भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है। आपके परीक्षा के ध्यान में रखकर इसे सारे टॉपिक को बनाया गया है। और ये नोट्स इलर्निंग भी दुर्गेश की पूरे एनसीईआरटी पैटर्न पर फॉलो करते हैं, जहां से आपके परीक्षा में ढेर सारे सवाल आते हैं। तो पहले आप हमें बताइए कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है, आपके हिसाब से इनका जवाब क्या होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम भाषा के अर्जन की बात करते हैं, फिर भाषा अधिगम की बात करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग पढ़ते हैं भाषा अर्जन, फिर पढ़ते हैं भाषा का अधिगम। इन दोनों के बारे में बात करते हैं एक एक करके क्रमवार रूप से, क्योंकि यह सीरीज आप सभी के लिए है। जहां पे पहला है कि किसी भाषा को, ध्यान दीजिएगा, जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के सहज रूप से सीखा जाता है तो भाषा अर्जन कहलाती है। जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है तब वो क्या करता है, किसी शिक्षण प्रणाली के बिना वो भाषा को सीखता जाता है, बुलाता है मम्मी पानी, मम्मी स्कूल जाएंगे, मम्मी खाना खाएंगे, माने वह किसी भी शिक्षण प्रणाली का प्रयोग नहीं करता फिर भी वो भाषा सीख लेता है। तो ये जो भाषा अर्जन कहलाती है इसको क्या कहते हैं, भाषा अर्जन कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, भाषा अर्जन कहा जाता है। अब भाषण अर्जन जो है यह एक अचेतन प्रक्रिया है, यह जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा बचपन में आता है तभी भाषाओं को सीख पाता है, उसके अलावा हमारे समाज से वो हर समय सीखता रहता है जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। मतलब हमने साफ और स्पष्ट रूप से पढ़ लिया कि भाषा जो अर्जन होता है यह एक अचेतन प्रक्रिया है, यह जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलने वाली यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां से लगातार भाषा अर्जन होता रहता है, इसी को हम भाषा अर्जन कहते हैं। अर्जन जो ये स्वाभाविक होता है, अर्जन क्या होता है, जो भाषा का अर्जन होता है स्वाभाविक होता है, ये किसी के लिए भी होगा। ऐसा नहीं है कि राम को होगा, रहीम को नहीं होगा, मोहन को होगा, सोहन को नहीं होगा, जी नहीं, भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है यह स्वाभाविक होता है। अर्जन का जो क्षेत्र है ये बहुत ही व्यापक है। अगर देखा जाए कि कहां कहां से अर्जन होगा तो इसका क्षेत्र बहुत ही ज्यादा व्यापक है। और अगर भाषा अर्जन की बात करें तो भाषा अर्जन यदि परिचित परिस्थितियों में हो तो अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे अगर आप एक बंगाली व्यक्ति है और अगर वह उर्दू या कन्नड़ वाले के यहाँ चला जाएगा तो वहां पे भाषा अर्जन नहीं होगा। अगर भाषा अर्जन होगा तो उसके लिए समस्याएं होंगी। अगर हिंदी भाषी हिंदी भाषी के यहाँ जाएगा या हिंदी भाषी जो है उसके सामने जो भाषा अर्जन की परिस्थितियां वो हिंदी है तो तेजी से होंगी और प्रभावशाली होंगी। यहीं पर वही बात साफ और स्पष्ट कहा गया है कि भाषा अर्जन यदि परिचित परिस्थितियों में हो तो और अधिक प्रभावशाली होता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाषा अर्जन मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं से संबद्ध रखता है। माने जो भाषा अर्जन है ये मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा से संबद्ध रखता है। इसके द्वारा मानव का विकास होता है। जो मानव का विकास होता है, जो हमारा विकास होता है, जो आपका विकास होता है, यह कहां से होता है, यह भाषा अर्जन से होता है। और जो भाषा अर्जन है ये मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा से संबंध रखता है। जब बच्चा बोलना सीखता है तो अपने सबसे पहले जो भाषा अर्जन की विकास की प्रक्रिया होती है अपने घर की होती है, अपने आसपास की होती है, अपने क्षेत्र की होती है। जैसे कोई हिंदी भाषी राज्य, जैसे मान लीजिए कि कोई कोलकाता में है और वह है जनपद जौनपुर का, अगर कोई व्यक्ति जौनपुर का है और यहाँ पे कोलकाता में बस गया है, कोलकाता में अगर बस गया तो सबसे पहले अगर जहां पे जो बच्चा जन्म लेगा वो क्या करेगा, अपने घर की भाषा जो हम लोग की भाषा है पहले हिंदी बोलना सीखेगा। लेकिन जो अपने समाज में जाएगा, जब वो बाहर जाएगा, बाहर के वातावरण में जाएगा, वहां उसे बंगाली सीखेगा। तो हमने ये सीखा, देखा, हमने ये पढ़ा कि जो भाषा अर्जन है मातृभाषा होती है या क्षेत्रीय भाषा से सीधा सीधा संबंध रखता है। इसके द्वारा मानव का विकास होता है। अब हम लोगों ने यहां तक भाषा अर्जन को पढ़ लिया। अब जरा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं और उनको भाषा अर्जन समझ में आ गया। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक का बटन दबाइएगा और सभी साथियों को शेयर करिएगा ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए दिन प्रतिदिन लेकर आए। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ जिसका नाम है भाषा अधिगम। अब हम भाषा अधिगम के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा अधिगम क्या है। माने जब किसी भाषा को व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सीखा जाता है तो भाषा अधिगम कहलाता है। माने जब किसी भाषा को अधिगम प्रक्रिया के साथ सीखा जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं तो वही हमारा भाषा अधिगम कहलाता है। माने भाषा का सीखना कहलाता है। जैसे आज हम हिंदी शिक्षण पढ़ रहे हैं, हम कह सकते हैं आज हम शिक्षण हिंदी शिक्षण का अधिगम कर रहे हैं। माने मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप अपने घर पर, अपने मोबाइल में, अपने डेस्कटॉप, अपने लैपटॉप पर, अपने टैब पर बैठकर पढ़ रहे हैं ताकि आप कल का एक सरकारी शिक्षक शिक्षिका बन सके। तो यहां पर आपके सामने चीजों को हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा और समझा। आगे देखते हैं, ये चेतन प्रक्रिया है। माने एक निश्चित
उम्र से प्रारंभ होकर निश्चित उम्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, माने ये चेतन प्रक्रिया है, एक निश्चित उम्र से शुरू होती है और एक निश्चित उम्र तक चलने वाली होती है, जिसे हम भाषा अधिगम कहते हैं। इसके लिए अभ्यास अनिवार्य। अगर आप डेली क्लास में नहीं है, डेली क्लास नहीं पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आपका भूलना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है ये चेतन प्रक्रिया है और ये निरंतर इसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं, अगर अभ्यास करने से दूर हटते हैं, अभ्यास करने से भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से पीछे हटेंगे। और ये पूरी जो नोट्स हम आपके सामने, ये एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी की सीरीज को पूरा पूरा पढ़ना आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम बात करते हैं, तो हमने और आपने देखा कि अधिगम का क्षेत्र संकुचित होता है। जो अधिगम का क्षेत्र होता है ये कैसा होता है, ये संकुचित होता है, छोटा होता है, सिकुड़ता जाता है। तो अधिगम का जो क्षेत्र है, भाषा अधिगम का क्षेत्र संकुचित होता है। भाषा अधिगम अभ्यास के लिए अनिवार्य होता है। अब भाषा अधिगम के लिए विशेष परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है। जैसे आज आपको क्लास पढ़ना है, इसके लिए हमने क्या किया, आपके लिए सबसे पहले जो एनसीईआरटी की नोट्स थी वो आपके लिए हम लोगों ने लेकर आए, और उसके बाद इस नोट्स के साथ हम ये क्लास आपके लिए लेकर आए और इसकी व्याख्या भी साथ में लेकर आए, ताकि अगर परिस्थिति ऐसी होगी आपके सीखने के लिए, तभी भाषा अधिगम हो पाएगा और आपका सिलेक्शन हो पाएगा और आप कल को एक सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बन पाएंगे। इसके बाद इन दोनों के डिफरेंस को पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि भाषा अधिगम द्वितीय और तृतीय भाषा के सीखने से संबंध रखता है। द्वितीय का मतलब क्या है, पहले कोई मातृभाषा सीखता है, फिर अपने वातावरण की भाषा सीखता है, अपने आसपास की भाषा सीखता है, फिर तीसरा जो प्रक्रिया होती है, माने दूसरा कह सकते हैं या तीसरा, जैसे मैं हिंदी भाषी राज्य का था, मुझे हिंदी सीखना था, तो मेरी द्वितीय हो गई अधिगम, क्योंकि मैं वहां व्याकरण सीखा, क से लेकर ज्ञ तक मैंने अक्षर का ज्ञान किया, तो वह मेरी द्वितीय, मतलब ये द्वितीय भी हो सकती है तृतीय, लेकिन प्राथमिक जो होती है वो भाषा जो आपकी अर्जन होती है, और द्वितीय जो होती है वो आपका भाषा अधिगम होता है। अधिगम द्वारा मानव का सर्वांगीण विकास होता है। अब जैसे आपने सुना है, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, माने अधिगम द्वारा मानव का सर्वांगीण विकास होगा। अगर आपने मेहनत से पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा है, सारे नोट्स को रटा है, तो आपका सारा विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए इस बात को पूरी तरह से आप सभी लोग जानते रहिएगा। अब हम इसी के साथ इनके डिफरेंस में एक बार चलते हैं कि अधिगम और अर्जन में सबसे प्रमुख अंतर सीखने की परिस्थितियों या वातावरण का होता है। एक लाइन में अगर हम कहें कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में सबसे प्रमुख अंतर क्या होता है, तो सीखने की परिस्थितियों का या वातावरण का अंतर होता है। एक स्वयं निर्मित होता है, एक का निर्माण किया जाता है। अब इन दोनों के डिफरेंस को एक साथ एक बार हम लोग पूरा पढ़ने का प्रयास करते हैं, भाषा अर्जन और अधिगम। उसके पहले मैं आपसे सबसे कहूंगा, आप लोग आज ही अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए दुर्गेश सर सर्च करिएगा टेलीग्राम ऐप पर, ई लर्निंग विद दुर्गेश है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे सभी क्लास निःशुल्क, वीडियो, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिल जाएगी। मेरी क्लास आप सभी के लिए निशुल्क देश हित में, राष्ट्रहित में है, और यह बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट है। प्ले स्टोर से ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड करिएगा, जहां पे सभी क्लासेज आपको क्रमबार मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात वहां 6 से लेके 12 तक के कंप्लीट एनसीईआरटी के नोट्स, जी हाँ एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं वो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को मिलाकर है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के व्हाट्सएप नंबर पर या कॉल करके आप नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेस जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चल रही है। आइए दोनों का डिफरेंस एक बार कम मिलाकर पढ़ लेते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। पहला है भाषा अर्जन। जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली के सहज रूप से सीखा जाता है तो भाषा अर्जन कहलाता है। दूसरी तरफ भाषा अधिगम क्या है, जब किसी भाषा को व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सीखा जाता है तो भाषा अधिगम कहलाता है। अब देखिए, एक के लिए कोई व्यवस्था नहीं करना है, आप जन्मजात सीख सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, इसके लिए व्यवस्थित क्रम होगा तभी आप सीख पाएंगे। दूसरा अंतर जो है कि भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया है, यह जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, जबकि भाषा अधिगम जो होता है यह चेतन प्रक्रिया है और निश्चित उम्र से प्रारंभ होकर निश्चित उम्र तक चलने वाली एक सहज प्रक्रिया है। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक होता है, लेकिन भाषा अधिगम जो होता है इसके लिए अभ्यास जरूरी है, डेली क्लास जरूरी है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। अगला है कि जो भाषा अर्जन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, लेकिन अधिगम का क्षेत्र, भाषा अधिगम का क्षेत्र संकुचित होता है। भाषा अर्जन यदि परिचित परिस्थितियों में हो तो और अधिक प्रभावशाली होता है, लेकिन भाषा अधिगम के लिए विशेष परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है। भाषा अर्जन मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा से संबंध रखता है, लेकिन जो भाषा अधिगम द्वितीय और तृतीय भाषा सीखने से संबंध रखता है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल देकर आपको बताया था। अब भाषा अर्जन के द्वारा मानव का विकास होता है, लेकिन भाषा अधिगम के द्वारा मानव का सर्वांगीण विकास होता है।
फिर अंत में हमने सीखा कि अधिगम और अर्जन के सबसे प्रमुख अंतर सीखने के परिस्थितियों या वातावरण का होता है। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षण की वीडियो इसी तरह आपको मिले, हिंदी शिक्षण के साथ साथ अन्य विषयों के शिक्षण की वीडियो आपको मिलती रहेगी, इस नोट्स के माध्यम से हम पूरी क्लास पढ़ते रहेंगे, इस वीडियो को शेयर करिएगा। और फेसबुक पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश है, अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करते रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अप टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स, स्टेट, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं, ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367, 7355179012 या 7398883002 पर। एड्रेस जौनपुर, UP।